चलो ये देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता, क्या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम डज नॉट, ऑब्वियसली पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो पोजीशन चेंज होने से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बदल जाएगा, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन चेंज करोगे तो ये तो गलत है यार, डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है, भैया बहुत सारे लोग हैं अगर वो इधर उधर आए चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा ना यार, ठीक है, समझ रहे हो ना, अगर हमारे पास तीन पार्टिकल हैं तीनों को उठा के यहाँ ऐसे करीब रख दिए तो सेंटर ऑफ मास बदल गया, ठीक है, बट अगर इंटरनल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास उनके मोमेंट से नहीं बदलता भाई, याद रखना, मासेस मास पे डिपेंड करता है, मास बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, क्या फोर्स पे डिपेंड करता है, एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ को धक्का दो, ठीक है, ये पहाड़ तोड़ो, हाँ अब यही काम रह गया, दशरथ मांझी 22 साल से बंदे ने पहाड़ तोड़ दिया यार, पागलपन हो तो उसी के जैसे, ये पहाड़ को धक्का दे रहा, ठीक है, ये पहाड़ कहीं मूव ही नहीं किया, नेट फोर्स जीरो है तो फोर्सेस पे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, ठीक है, ठीक है, अगर फोर्स लग रहा है जैसे तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, यहाँ ज़्यादा और होगा, कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदलता है, ठीक है, चलो।